आजकल अगर हम मेडिकल की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जांचें बढ़ गई हैं, चाहे वो सीटी स्कैन की बात हो, एक्सरे की बात हो, या किसी भी बीमारी का पता लगाना हो, तो चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, जांच ज़रूरी है उसमें। और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोग महसूस करने लगे हैं, क्योंकि भ्रांतियाँ भी बहुत हैं कि अगर हम सीटी स्कैन कराते हैं या हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर हम एक्सरे कराते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर हेमा चौधरी जी, रेडियोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर हेमा है, मैं कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में। तो अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो अल्ट्रासाउंड जो है वो सबसे सेफ इन्वेस्टिगेशन है। हम उसे कितनी भी बार करवा सकते हैं, उसमें रेडिएशन का कोई ख़तरा नहीं है। इसीलिए जब भी अगर किसी एक गर्भवती महिला का अगर होना है कोई भी इन्वेस्टिगेशन, तो अल्ट्रासाउंड इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टिगेशन। और देयर इज़ नो नंबर कि हमने अभी करवाया, वापस से कोई बच्चे को रेडिएशन का कोई ख़तरा तो नहीं है। तो उससे कोई ख़तरा नहीं है, वो एकदम सेफ इन्वेस्टिगेशन है। हम किसी भी गर्भवती महिला में स्पेसिफिकली एक्सरे या सीटी स्कैन नहीं करते हैं। हम एमआरआई अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसमें एमआर कर सकते हैं। एमआरआई एक सुरक्षित इन्वेस्टिगेशन है, और सीटी और एक्सरे तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं। नहीं, आप महिला की बात करें, हम पुरुषों की अगर बात करते हैं इस पर, या सीटी करना हो किसी को या एमआरआई करना हो, तो लोगों को ये लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है तो लॉन्ग टर्म उसके जो हार्ट पर या अभी या बॉडी पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, एक्सरे बिल्कुल रेडिएशन है। एक्सरे और सीटी दो ऐसी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिनसे रेडिएशन का खतरा बिल्कुल रहता है। तो हमें वो एक लिमिटेड अमाउंट में करनी चाहिए। हमें एक्सरे का नंबर भी लिमिटेड रखना चाहिए और सीटी स्कैन का भी लिमिटेड रखना चाहिए। सीटी में रेडिएशन का थोड़ा सा और ज़्यादा खतरा है, जबकि अगर हम कंपैरिजन करें तो एमआरआई में बिल्कुल ख़तरा नहीं है। तो हम हर एक पेशेंट को टाइट्रेट करते हैं कि अगर हम इस इन्वेस्टिगेशन में रिस्क बेनिफिट रेशो देखते हैं कि अगर हमें डायग्नोसिस ज़्यादा ज़रूरी है और जो हमारी सीटी स्कैन से बन सकती है तो हम सीटी स्कैन करेंगे, और अगर हमें इस पेशेंट को स्पेसिफिकली रेडिएशन से बचाना है या वो पहले भी उसे रेडिएशन काफ़ी हो चुकी है तो हम उसमें एमआरआई या कोई और इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएंगे। एक मरीज को अगर दो बार तीन बार ज़रूरत पड़ी फ्यूचर में, तो फिर उसके लिए तो बहुत ज़्यादा खतरा है। नहीं, एक्सरे हम रिलेटिवली 4-5-6 बार कर सकते हैं। सीटी स्कैन को कुछ 6 महीने में 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए, उसको लिमिटेड रखना चाहिए। और अगर हम साथ में कंट्रास्ट भी लगा रहे हैं, या जो कि एक जांच के लिए एक दवाई होती है जो कि नसों से देनी होती है जिसे कंट्रास्ट कहते हैं, तब हमें और भी जो नंबर ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन से कम करना चाहिए। इसका एक डोजीमीटर होता है कि हमें लगभग एक साल में कुछ 3 से 10 मिलीसीवर्ट के अंदर की डोज होनी चाहिए। और अगर वो ऑलरेडी एक पेशेंट 1 साल में काफ़ी ले चुका है तो उसे अगले कुछ सालों तक वो रेडिएशन अवॉइड करनी होती है ताकि वो रेडिएशन उसे कम से कम मिले। और हम साथ में रेडिएशन से पहले हम साथ में उसके कुछ KFT कुछ फंक्शन किडनी के फंक्शन टेस्ट भी कराते हैं ताकि उसकी किडनी या किसी और चीज़ को नुकसान ना पहुँचे। और अगर उसकी किडनी पहले से ही थोड़ी डैमेज है तो हम ये इन्वेस्टिगेशन ना करके फिर हम कोई और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अमूमन पेशेंट को पता नहीं होता है कि MRI कराने के पहले उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से उनको सावधानी बरतनी चाहिए, क्या खा के जाना चाहिए, क्या चीज़ें लेनी चाहिए, तो ज़रा बताएं अगर। बिल्कुल, जब भी पेशेंट आते हैं तो उनको अपॉइंटमेंट के समय ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको ये प्रिपरेशन के साथ में आना है। और हर प्रिपरेशन डिपेंड करता है कि वो कौन से पार्ट की हो रही है। जैसे कि अगर हम शुरुआत से करते हैं, एक्सरे के लिए यूजुअली किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आप कभी भी आए कभी भी करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए अगर हम आ रहे हैं तो हमें खाली पेट होना चाहिए और हमारा पानी पी के आना चाहिए ताकि हमारे पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड हो सके। सीटी स्कैन के लिए अगर हम कंट्रास्ट नहीं दे रहे हैं पेशेंट को तो हमें कोई भी तब प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंट्रास्ट लगा रहे हैं तो पेशेंट को फास्टिंग या एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। सेम ऐसे ही जब हम MRI कर रहे हैं तो MRI में भी यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन डेफिनेटली अगर हम कंट्रास्ट दे रहे हैं तो हम उसे पेशेंट को कहेंगे कि आप सुबह आएंगे और एम्प्टी स्टमक आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, बात करने। थैंक यू वेरी मच। तो निश्चित तौर पर ज़्यादा अगर ओवरडोज कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उस पर नुकसान तो ज़रूर है, इसलिए ज़्यादा एक्सरे या ज़्यादा सीटी या ज़्यादा MRI नहीं कराना चाहिए। हालांकि चिकित्सक इस बात को बता देते हैं मरीजों को, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें लोगों को कराना पड़ता है। रेडिएशन निश्चित तौर पर ख़तरनाक है, लेकिन अगर ओवरडोज अगर नहीं हो रही है, ओवर नहीं करा रहे हैं, तो ज़्यादा नुकसान नहीं है। कैमरा पर्सन राहुल साथ विनोद जूनियर, सी न्यूज आगरा।